क्या चाइना ने अपने देश में फैलते B7 ओमिक्रॉन और मौतों से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए तमाम में भारतीय सीमा में घुसपैठ की साजिश रची? चाइना से जो खबरें आ रही है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। B7 जो ओमिक्रॉन वायरस का ही एक नया वेरियंट है, जिसके कारण चाइना में फिर से कोविड के रोज हजारों केस आ रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया की वीडियो और तस्वीरों को देखें, उसमें तो कई लाशें भी दिख रही है। जबकि B7 ओमिक्रॉन तो अमेरिका के कई हिस्सों में भी फैल रहा है, पर फिर भी वहां से बस लोगों के बीमार होने तक की खबरें आई हैं। अमेरिका में इस वायरस से अब तक किसी की जान नहीं गई है। क्या हुआ चाइना में ऐसा की बात इतनी बिगड़ गई? और क्या भारत को भी खतरा है? क्या फिर से 2020 वाला लॉकडाउन लगेगा? जानते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है, क्यों बौखलाया हुआ है चाइना। चाइना में कुछ महीने पहले अचानक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे आम जनता को जरूरत से ज्यादा परेशानी होने लगी, जिसके कारण चाइना में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की जगह पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन खोल दिया, जिससे लगता है सरकार भी चाहती है जिसको जहां जाना है जाओ, जिसको संक्रमित होना हो जाए और जिसको मरना है मरे। जिससे B7 ओमिक्रॉन वायरस कुछ ही दिनों में कई गुना तेजी से फैलने लगा। ओमिक्रॉन वैसे तो इतना ज्यादा जानलेवा नहीं है, पर फिर भी चाइना में मौत की इतनी खबरें इसलिए आ रही हैं, क्योंकि चाइना की कोविड वैक्सीन चाइना ने खुद से तैयार की है, जो कि साइंटिस्ट का मानना है बाकी देशों की वैक्सीन से काफी कम प्रभावी है, क्योंकि चाइना के अनुसार उसने अपनी 90% जनता को वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली थी। फिर भी वहां के मुर्दाघरों में रोज कई लाशें आ रही हैं, जिनका आंकड़ा चाइना की मीडिया और सरकार दोनों ही छुपा रही है, जैसा उसने 2019 वुहान से फैलने वाले पहले कोरोना वायरस के समय छुपाया था, जो चाइना कभी खुल के अपने देश की किसी भी खबर को दुनिया को कभी नहीं बताता। आज वो भी खुल के कह रहा है कि 5 से 10 मौतें हुई है, जिससे साफ पता चलता है कि आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चाइनीज सरकार किसी को भी इन जगहों की फोटो और वीडियो नहीं बनाने दे रही है। हाल तो यहाँ तक खराब है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई तक नहीं मिल पा रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या को काबू करना अब चाइनीज सरकार के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया की फोटो और वीडियो दिखाती हैं कि लोगों को दवाइयों और ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ रहा है। शायद किसी ने सच कहा है, कर्मा लौट के जरूर आता है। वही आज चाइना के साथ हो रहा है। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहर आज सुनसान पड़े हैं। देश की अर्थव्यवस्था घुटनों तक आ गई है। कई बड़े बिजनेस बंद हो गए हैं। लोग जॉब छोड़ अपने घरों में बंद हैं। और कुछ साइंटिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि आने वाले 90 दिनों में चाइना की 60% आबादी, लगभग 80 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 10% है। शायद चाइना की सरकार अपने देश के कोविड केस और मौत के आंकड़ों को देश की जनता से छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, जिसका अंदाजा तमांग में चाइनीज आर्मी की घुसपैठ से लगाया जा सकता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी इंडियन आर्मी ने दिया, जिसे सरकार ने पूरी छूट दे रखी है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया में भी कोविड फिर से फैल सकता है? तो जवाब है, हाँ फैल सकता है। यहाँ तक कि एक B7 ओमिक्रॉन का केस इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ है, पर भारत में लगभग सबको ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। भारत की वैक्सीन काफी असरदार मानी जाती है। भारत में इस वायरस से मौत का खतरा तो नहीं है, पर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं और राज्य सरकारों से तैयारी का जायजा लेने के लिए मीटिंग शुरू कर दी है और लोगों से फिर से मास्क लगाने को कहा है। इसलिए अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। देखते हैं आगे क्या होता है। चाहे जो भी हो, पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि फिर से 2020 वाली स्थिति ना हो, क्योंकि हमने कई अपनों को खोया और मौत का ऐसा तांडव देखा जो शायद कई सालों तक पूरी दुनिया नहीं भूल पाएगी। आज का वीडियो लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं है, बस देश में सब जागरूक रहें इसलिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।